हेलो गाइस एवरीवन, कैसे हो? आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। और इस वीडियो में हम दिखाने वाले हैं आपको चमत्कार। और ये किचन का जो फाउंडेशन नीचे किस तरीके से कितनी मजबूती होनी चाहिए फाउंडेशन में, और उसमें हम पार्टीशन जो लगाएंगे उसके लिए फाउंडेशन किस कैसा बनाया जाता है और कैसा होना। फाउंडेशन शुरू कराने से पहले उसकी जो गिट्टी जो फर्श में आप डलवाते तो उसकी कुटाई पहले, और पहले से कुटाई कराने से पहले उसमें पानी डलवाएँ और पानी डलवा के उसमें दुरमुट से लीवर से कुटाई कराएँ। क्यों कुटाई कराना भी ज़रूरी है, क्यों बगैर कुटाई है आप उसमें फाउंडेशन नहीं बना सकते हो, क्यों उसमें पोला पर रह जाएगा। तो उसकी कुटाई करवा के खूब दबा के उसकी कुटाई करवा के फाउंडेशन चालू कराएं। तो इस वीडियो में हम दिखाने वाले हैं आपको ये जो फाउंडेशन बना रहे हैं, तो ये आप देख इसकी जो चिनाई की देख रहे हैं जगह की, इस जगह पर हमारी सिंक की जगह ही है। और पीछे वाला फाउंडेशन तो बन चुका हमारा। ये जो हम सिंक की जगह बना रहे हैं, इस जगह पर हम जो बैठे हुए हैं इस जे वाली सिंक की जगह, वो भी आपको जो कंप्लीट फाउंडेशन उसमें दिखाएंगे आपको। बिल्कुल लास्ट तक वीडियो देखते रहें और बने रहें, और वीडियो को हमारे को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये जो फाउंडेशन की आप देख रहे हैं, इस फाउंडेशन की है चौड़ाई है इसकी 24 इंची करीब, इसमें 2 फुट की चौड़ाई है तो इसे 24 इंची है। तो इसकी जो चौड़ाई 2 फुट है, तो इसमें आप इस तरीके से आप देख रहे हैं, इस तरीके से पहले इसको फाउंडेशन को इसका सांचा बनाया जाएगा। इस तरीके से उसमें रद्दी लगा के उसमें ये आप देख रहे हैं सिंक वाली जगह, इस जगह सिंक आएगी। ये इस वीडियो में आपको पूरी दिखा सकते हैं, क्यों इसकी जो स्लैब डाल के दिखाएंगे वो अगली वीडियो में दिखाएंगे। और अगली वीडियो के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जब भी आपके पास वीडियो पहुँचेगी लाल बटन को ब्लैक कर दें। तो इसे आप दिखाने वाले हैं आपको कि इस वीडियो में ये जो मसाला डी डला है इसमें गिट्टी है, और ये जो आप इसमें कैसे किस तरीके घोल होगा। तो पहले इसमें आगे रद्दा लगवा के, क्यों ईंट लगाएंगे तो बहुत चार्ज इसमें महंगा पड़ता है, तो आप इस को आगे रद्दे लगवा कर तो इसमें क्या है इस तरीके से उसमें घोल करा सकते हैं। क्यों इसमें जब भी इसमें मौजूदगी बनेगी फाउंडेशन में, क्यों इसमें मलबा अद्धे कुछ भी इसमें भरवा के और उसमें घोल कराएँ, और घोल भी इसमें 30 मिनट का 4-1 का करीब उसमें सीमेंट डलवाएं, तो तभी इसका ऐसा होता है। ये जो फाउंडेशन बनना है, ये आपकी जो स्लैब है कभी तिरकेगी नहीं, और ना इसमें चटक खाएगी, और ना कोई पार्टीशन इसमें बैठेगा। क्योंकि जैसे बहुत लोग हैं मिस्त्री हैं हमारे, वो क्या है फाउंडेशन बनाते हैं तो वो क्या फाउंडेशन नहीं बना पाते हैं, तो जगह जगह वो पार्टीशन लगा के और स्लैब डाल देते हैं। क्या होता है कि वो पार्टीशन जो होता है वो लोड एक ही जगह पड़ता है तो पार्टीशन तिरक जाता है। तो इसी वजह से और हम